सो हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब गाइस चकाचक और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम हीरो बने हैं। सो गाइस, आज हम लोग नए ब्लॉग के साथ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोग चल रहे हैं कहीं घूमने, अभी बताएंगे नहीं तो सस्पेंस गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। और मेरे साथ हुज़ैफ़ा भाई हैं, और चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी जाना है थोड़ा मार्केट, और उसके बाद चलते हैं, थोड़ा ATM से बैलेंस वगैरह निकालना है, फिर उसके बाद चलेंगे घूमने। चलते हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको दिखाते हैं, साथ में भाई भी हैं, और 3-4-5-6 जितने भी इतने फ्रेंड्स हैं, बहुत ही अच्छे वाले फ्रेंड हैं कि हम लोगों को छोड़ के चले आए बाइक से। वो लोग हम लोग आ रहे हैं बहुत ही टहलते टहलते, और ऑटो से आए, और देखते हैं उनको, ढूंढते हैं कहाँ है, तो आप लोगों को दिखाते हैं हम कहाँ आए। तो चलिए, तो ये रहा सामने कंपनी गार्डन और आज़ाद पार्क है ये, अब इसके अंदर प्रवेश लेते हैं और देखते हैं वो लोग कहाँ हैं फिर उनसे। गाइस, ये है कंपनी गार्डन एंड आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का मेन गेट। अब इसके अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पे गार्ड लगे हैं और चेक वेक करने के लिए, तो हम लोग पर्ची ले लिए हैं, पहले से टिकट कटा लिए हैं, और इसके अंदर चलते हैं। और बात ऐसी है कि हम लोग तो चंद्रशेखर आजाद पार्क के मूर्ति के यहाँ से, उनके स्तंभ के यहाँ से आ चुके हैं। अभी भी हमारे जितने भी 3-4 लोग थे फ्रेंड साथ में, और वो लोग दिख नहीं रहे हैं ना। अब देखते हैं वो लोग कहाँ, नंबर 3 पे उन लोगों से मिलने जा रहे हैं। हाँ, अब देखते हैं गेट नंबर 3 पे हैं या नहीं है, और चल दिए देखते हैं, मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फोन वगैरह लगाएंगे, फोन तो जिंदाबाद है। तो भाई, उन लोगों को बहुत ही परिश्रम से और बहुत ही मुश्किल तरीके से इस कंपनी गार्डन में खोलने के बाद वो लोग फ़ोन से हम लोग बात करके और पूछे हैं, तो बताएं कि हम लोग आ गए हैं योगा स्थल पे। अब चलते हैं, देखते हैं कंपनी गार्डन में, खोजते हैं इधर उधर भटक के, और देखते हैं योगा स्थल कहाँ पे है, और फिर मिलते हैं उन लोगों से, थोड़ी बड़ी बहस होगी, उसके बाद घूमेंगे पूरा पार्क, आज़ाद पार्क। और देख सकते हैं शायद ऐसे ही योगा स्थल है, और यहाँ पे चल रहा है योगा का कुंफू। योगा कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से योगा किस तरह से हो रहा है यहाँ पे। और बहुत ही इतने खतरनाक, इतने लोग, क्या ही बताए, आप कमेंट करके बताइएगा कि हम लोगों को छोड़ के आए, हम लोगों को कैसी बीता है दिल पे। और देखिए महान विभूतियाँ यहाँ पे, देखिए महान विभूतियाँ, और हमारे मैदान भाई, एकदम मैदान भाई से और सभी लोगों से, और ये लोग हमको छोड़ के चले आए यार, बहुत ही। और इधर प्रपोजल चल रहा है अपने में, प्रपोज कर रहे हैं आपस में, प्यार मोहब्बत जता रहे हैं भाई, क्या ही बताए हम लोगों को छोड़ के। और चलते हैं, लोग मिल गए, मुझे अच्छी तरीके आता है, और चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं किधर किधर घूमने लायक है। और मैं तो कई बार आ चुका हूँ यहाँ पे, और इतना परिश्रम से आप लोग आए हैं, आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग छोड़ के आए, आप लोगों को कैसा बीत रहा है? चले चले कहीं, चले गौतम भाई किधर चले? ये देखिए हमारे चलते हैं, हम मिल गए लोग, भाई कंपनी गार्डन जो आया ना हो आया हो, आप जान सकते हैं क्या माहौल रहता है वहाँ पे। और चारों तरफ का माहौल, और हरियाली है, हरियाली कुछ ज्यादा है गाइस, कितना हरा भरा पार्क है हमारा कंपनी गार्डन, हरे भरे लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पे, माहौल भी ठीक ठाक है यहाँ का। हाँ,
ये लोग तो पिछड़ जा रहे हैं कुछ। बहुत तो गाइस ये है कंपनी गार्डन का बहुत ही शानदार तरीके से लाइब्रेरी। यहाँ पे अनेक प्रकार की पुस्तकें रखी गई हैं, जैसे फारसी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगालीज, और न्यूज़पेपर भी बहुत ही अच्छे अच्छे रखे गए हैं, हिंदी इंग्लिश। इधर हैं बहुत ही शांत माहौल के साथ मेरे मित्रगण, हम लोगों को छोड़ के आए। मुझे बहुत गाइस क्या ही बता सकते हैं, दुख का मनाते हुए शोक। अब इधर चलें हमारे गौतम भाई और देखते हैं यहाँ पे अपने में ही प्रपोजल चल रहा है इन लोगों का। बस यहाँ पे हमारे कॉलेज के बहुत ही भाई मार दिए यार। हेलो, और आज सभी लोग मिल जा रहे हैं यार, दोस्ती दोस्त मार के बंगी बना दिए भाई। और मित्र क्या, इधर पार्टी कब दे रहे हो यार? आप तो हो गए, हम लोग ऑनलाइन के लिए सहमत हो गए, जीत भी गए। आपका चार्ज खत्म, आप भागे घर। भागे आपको तब क्या भाई, 2 बजे भाग जा रहे घर, आगे हम जाने घर। रात हम बताओ, रात भाई हम जगह कॉलेज में पूरा दिन भर हम अभी ये भी नहीं थे और ये भी नहीं थे, अभी दो हम थे अकेले, दो में सोए नहीं बेटा, भंडारा हम कर रहे हैं। नहीं भाई लोग इतना बड़ा झूठ की बोल रहे हैं कि भंडारा मैं अकेले कराया हूँ। और हम मेहनत की हम लोग यार, ऑनलाइन के लिए प्रोटेस्ट हम किए और बोल रहे भंडारा ही अकेले अकेले खा रहे हैं। अरे 2 बजे दिन में भाग कैसे, हम लोग शाम तक थे और निर्णय लेके थे, रात 8 बजे तक। जीत हमारी हुई थी भाई, हाँ जीत हमारी हुई। अब आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, अब हम लोग देखते हैं कितना ब्लॉग कर पाते हैं। और बहुत ही शांत तरीके से लोग बैठे हैं मेरे मित्र जी, और इन लोगों को कहीं और का ही क्या बोलते हैं उसको, कुछ और ही नशा है। और ये है हमारे बहुत ही गहरे वाले मित्र, और जो कि हमको इतना मार मारते हैं ना कॉलेज में भाई, मारने का नाम से मार दिए, और ऐसा नहीं, बहुत अच्छे भी हैं, प्यार भी करते हैं, और थोड़ा ये वाले हैं ना भाई, गुस्सा करते हैं। और इन लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, दोस्ती के नाम पे कलंक है। ऐसा नहीं है भाई गाइस, ऐसा नहीं है, आप लोग के चक्कर हम लोग साथ छोड़ दिया है भाई, ऐसा नहीं है। हम लोग ये लोग बिना मुझे बिना बताए यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे देखने के बाद बताए, बताइए तो पहले आप बताए, आप लोग फोर व्हीलर से बताए, फोर व्हीलर के लोग आए बता रहे हैं। अब चलते हैं उधर, चलते हैं, इन लोगों से आप बाय बाय करना चाहते हैं, चलिए बाय बाय सबसे, और मिलते हैं बाद में। गाइस मजा आ गया दोस्तों के साथ, अब चलते हैं उधर, घूमते हैं पूरा और देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल्स आप लोग देख सकते हैं गाइस, पढ़ लीजिएगा, मुझे उतना पढ़ नहीं आता है, पढ़ने आता है ये क्या नहीं, ये है विक्टोरिया मेमोरियल जो विक्टोरिया जी का बनाया गया था, यहाँ पे उनका महारानी विक्टोरिया जी का बनाया गया था, जो उसमें स्मारक बनाया गया है। और आप लोग देख ही लिए होंगे, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, और चलते हैं देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं इस बड़े आज़ाद पार्क को। और चलिए फिर Thank you.
गाइस ये है राधे राधे प्याऊ, मतलब पानी पीने वाला लगा है फिल्टर की मशीन। और जो भी यहाँ पे आते हैं घूमने और पार्क में घूमने और पार्क में देखने और जिन लोगों को प्यास वगैरह लगती है तो आप लोग आके यहाँ पे पानी पी सकते हैं, बहुत ही अच्छा पानी यहाँ से आता है। और चलते हैं और देखते हैं आपको, बस घुमाते ही रहेंगे ऐसे ही। और ये रहा कुछ पार्क का नज़ारा इस तरफ। और तो गाइज हम आए थे, आपको बताए थे कि हम लोग आए हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क जो प्रयागराज में है। मैंने पिछले भी वीडियो बना चुकी है तो मेरे बहुत सारे दोस्त मिल गए थे और बोले कि चलो भाई चलते हैं, थोड़ा चंद्रशेखर आजाद पार्क घूम लेते हैं और देखते हैं कैसा है। तो हम लोग आए हैं साथ में और भाई भी लोग हैं और चार पाँच कई लोग हैं साथ में, इधर उधर घूम रहे हैं, अभी सभी लोग आ जाएंगे साथ में। तो चलते हैं भाई, कुछ बताएं। तो गाइस ये पार्क चंद्रशेखर आजाद जी के याद में बनाया गया था, जहाँ पे इन्होंने आत्महत्या करी जब ये चारों तरफ से अंग्रेज इनको घेर लिए थे, तो यहाँ पे ये आत्महत्या कर लिए थे गाइस, अपने आप को शहीद मार गोली मार के अपने आप को शहीद हुए। इतना बड़ा गार्डन बनाया गया है और उन्हीं और उनकी और यहाँ पे अनेक प्रकार की लाइब्रेरीज हैं और म्यूजियम भी है बना है। म्यूजियम के अंदर हम लोग नहीं गए हैं, बहुत सारे लोग थे और फीस उसकी कुछ ज़्यादा ही थी। तो हम लोग अगली बार आएंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसी वीडियो बन रही है, और अगली बार आएंगे तो म्यूजियम चल के दिखाएंगे और देखते हैं अंदर क्या होता है। और बता। ओके गाइज, अब वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, आप लोग बोर हो जाएंगे इसमें। और आप लोग बताइएगा कि इस पार्ट में कौन से इतने मस्ती हम लोग किए हैं और इस पार्क में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, और बताइएगा और कमेंट करिएगा। तो वीडियो को हम लोग ज़्यादा बड़ी ना करते वक्त यहीं पे एंड करते हैं और चलते हैं। तो गाइज अभी तक ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा सा कमेंट करिए और बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, गलत हो गया यार। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज थोड़ा हेल्प कर दिया करो यार, अभी नया चैनल है, ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए, और ऐसे ही बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।